I'm Sunny Leone. Hello guys, I'm Mia Khalifa. अगर तुम दोनों सनी लियोनी और मिया खलीफा हो तो फिर ये दोनों कौन है? ससुराल सिमर की सिमर और उसकी बहन? हट, चलो इनकी वीडियो थोड़ी आगे देखते हैं। क्या घूर रहा बुड्ढे? बुड्ढा? कौन बुड्ढा? मेरे को बोली बुड्ढा? बोला बुड्ढा, बोली बुड्ढा। अरे क्या बोलूं तेरे को भाई मैं? अबे जा बुड्ढे, तो एक घूसा लगा ना, एक चांटा लगा ना, दांत मुंह में उतर जाएंगे, पेट में। दांत पेट में? जो बाल है ना वो सारे नीचे आ जाएंगे झड़के। हाँ। बाल झड़ जाएंगे मेरे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूखी घास बुड्ढे, चल। ओ, 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 ओ बंदर, जमीन पे उगे हुए पेड़ के सड़े हुए फल के बीज के कीड़े, सादा बोल रहे तू यार? यहाँ पे रोस्ट मैं करने आ रहा, तुम ही मेरा रोस्ट कर दोगे क्या? लास्ट वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं पूरा का पूरा हो गया ब्लैंक। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा भैया, दिमाग में कोई टॉपिक ही नहीं। जितने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई थी सब तो खत्म हो गई। मैंने सोचा मेरे व्यूअर्स है 1.2 के सब से मेरे यार, उसमें से एक बंदा तो कमेंट करेगा। मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला है कि बताओ भाई मेरे को कोई नया टॉपिक बताओ वीडियो के लिए, कोई तो कमेंट करेगा ना। अरे एक लाइक तक नहीं आया, कमेंट क्या करोगे तुम? तो बहुत हताश निराश होके मैंने भी सोचा कि क्यों ना टिकटॉक में वीडियो बनाए। हाँ पता है मेरे को टिकटॉक स्वर्गवासी हो गया, पर अपनी संतानें छोड़ गया है वो। और उसकी सबसे बड़ी संतान कौन है? इंस्टाग्राम रील्स। और इतना तो खुद टिकटॉक इंडिया ने कबूला है। देरी नहीं करते, जल्दी से पहली रील्स बोलो या फिर तुम टिकटॉक की वीडियो बोल लो। नजर डालते पहली वीडियो पे। कौन तुम्हें? क्या लगा था मैं इस वाली वीडियो को रोस्ट करूंगा? पागल हो गया यार, इतनी अच्छी वीडियो तो है, इसको देख के तो मैं हंस गया था भाई पहली बार में। और ये वीडियो मैंने इसलिए अपनी वीडियो में ऐड करी ताकि तुम्हें मेरी वीडियो देख के भली हंसी ना आए, ये वाली वीडियो देख के हंस जाओ तुम। हंसो सो पार्ट गाइस, पढ़ते अपने नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, लुक इनटू माय आई फॉर 5 सेकंड्स। ओके ठीक है, देखते हैं तुम्हारी आंखों में कौन सा नशा है। हाँ तो ठीक है ना भाई, मैं भी तेरी आंखों में नहीं देख रहा था, जो तेरी मोटी मोटी भोए है ना, मैं खो गया था इनमें। और नहीं यार क्या वीडियोस बना रहे हैं, मतलब टिकटॉक पे वही था, रील्स पे वही है। भाई ये बात बिल्कुल सही है यार, टिकटॉक एक ऐसा बड़ा सुलभ शौचालय था जहाँ पे सब छपरा छपरी निब्बा निब्बी जाते थे टी करने के लिए। पर अभी का सीन बिल्कुल चेंज हो चुका है भाई। टिकटॉक क्या बैन हुआ भाई, उसके 10-10 संताने निकल गई, 10-10 20-20 संताने निकल गई है। मतलब एक तरह से अलग अलग घुसरखाने बन गए हैं, सब उधर जाके अलग अलग अब क्या करते हैं, उधर टट्टी वही है, बस जगह चेंज हो गई है। अब तो सीरियसली लग रहा भाई टिकटॉक वाला टाइम ज्यादा बेटर था। एटलीस्ट हम जैसे रोस्टर्स को 10-20 एप्स तो डाउनलोड नहीं करके रखने पड़ते थे कंटेंट ढूंढने के लिए। एक बड़ी सरदर्दी है, तुम नहीं समझोगे। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, वो जिस लड़के ने उस लड़की का हाथ दूसरे लड़के को थमाया ना, दूसरा लड़का मैं क्यों नहीं था उधर? भाई ये टिकटॉकर्स पागल हैं क्या? टिकटॉक बैन हो चुका है, तुम अभी भी इंस्टाग्राम रील्स पे भी वही कर रहे हो तुम? नहीं ऐसा कौन करता है, मतलब रोड पे चल रहे हो, साथ में चल रहे हो अपनी जीएफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, साइड से कोई भी लड़का जा रहा है, भाई आज तो मैं बहुत दानी फील कर रहा हूँ, इसको अपनी बंदी थमा देता हूँ, मेरे को मिल जाएगी दूसरी। भाई तुम जेनरस तो बन सकते हो टिकटॉकर्स की तरह, बट इनकी तरह निब्बा निब्बी मत बन, क्योंकि भले ही ऐसी हरकतें रियलिटी में कोई ना करे, बट ऐसी हरकतें वीडियोस में भी सिर्फ निब्बा और निब्बिया ही करती हैं, क्योंकि अब टिकटॉक पे नहीं मिलेंगी आपको। यार आ गई, पूछोगे नहीं क्या? चलो छोड़ो मैं ही बता देता हूँ, मुझे एक शायरी याद आ गई है, तो जरा ध्यान से सुनना। म्यूजिक, मेरा गम कितना कम है, अरे मेरा गम कितना कम है, अरे मेरा गम इनके सामने पानी कम है, सारा का सारा पानी तो इनका मुंह में है। नहीं यार तुम एक बार को इस बंदे का मुंह देखो भाई, मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं से इसके अंदर से पाइप मुंह तक आ रहा है इसके। और इस बंदे को देखो यार, मतलब क्या कैमरे में क्या कूद रहा है, कैमरे में क्या कूद रहा है, और इतना किस चीज का गम है भाई इनको। अगर तुमने इस बंदे की वीडियो नहीं देखी है ना भाई, ये हर वीडियो में या तो रोता रहेगा या रो रो के नहाता रहेगा। और मैं बता रहा हूँ इस बंदे का गम इनके सामने पानी कम है। रुला के गया सपना मेरा, कैसे हुआ सवेरा, रुला के गया सपना मेरा,
तो यार टिकटॉक के बैन होने के बाद बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे, जितने भी टिकटॉकर्स की अर्निंग थी सब रुक गई थी, तो जितने भी टिकटॉकर्स की बकवास चीजें करने की आदत थी वो भी रुक गई थी टिकटॉक के बैन होने के बाद। तो गेस करो उन्होंने अपना कचरा कहाँ फेंकना स्टार्ट किया टिकटॉक का? जी हाँ, इंस्टाग्राम रील्स पे। और ऐसे ही भक्त, जी हाँ मैं उनको भक्त बुलाऊंगा, क्योंकि आपको पता है जो भी टिकटॉक चलाता है वो पागल होता है और जो भी टिकटॉकर है वो पागल है। और एक पागल को आपने एक ऐसी वीडियो देखी होगी जिसके अंदर बोला गया है कि भक्त भी तो पागल ही है, या फिर इसका उल्टा, एक पागल भी तो एक भक्ति है, ठीक है, ऐसा कुछ बोला था उस वीडियो में। ऐसे ही एक टिकटॉक के पागल भक्त से आपको मिलाना चाहता हूँ। कैसा लगा भक्त? ऐसे ही पागलपन दिखाए जा रहे हैं टिकटॉक के बाद रील्स पे और जितने भी अब छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स आ गए, नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए टिकटॉक्स के उनके ऊपर। ये बात बिल्कुल प्रूव हो चुकी है कि टट्टी वही है, बस जगह बदल गई टट्टी करने की। तो यार वीडियो खत्म भी हो चुकी है, खत्म नहीं भी हुई है, बस मेरे को एक छोटी सी अनाउंसमेंट बोल लो या फिर रिक्वेस्ट बोल लो वो करनी थी यार। तो देख लो, इस वीडियो में ज्यादा कुछ ऐड नहीं कर पाया एक्सटर्नली या फिर जो भी जैसे भी बोलो तुम, वो ऐड नहीं कर पाया मैं, बिकॉज मेरे पास टाइम था या नहीं था तुम पता नहीं, बट ना मैं दिमाग बंद हो गया था यार, किस टॉपिक बनाऊं, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं आ रहा था, किसे बनाने वाला था मैं। फिर मैंने कुछ बोला चलो इस पे ही बनाते हैं, थोड़ा सही है तो बना दिया, बट यार मुझे तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। चाहूंगा यार कि अगर तुम सब मेरी वीडियोस देख रहे हो, रेगुलर हो तुम मेरी वीडियोस में, तुम क्या कर सकते हो यार मेरे को ना, एटलीस्ट वो तो वीडियोस में कमेंट कर दिया करो भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए ये टॉपिक अच्छा है, ठीक है। या फिर तुम मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, कोई क्रिंजी वीडियो मिलती है तो मेरे को सेंड कर सकते हो यार। हाँ यार इतनी सी रिक्वेस्ट थी तुम सबसे, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार यूट्यूब का एल्गोरिथम फॉलो करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो कमेंट करो एंड वीडियो को प्लीज शेयर करो यार। Thanks for watching. Bye bye and peace out. I'm going to make a new video. So please I want to reach 1,000,000 likes. So please sarapakarai. Okay, thank you.